लेकिन आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने सेकंड सेगमेंट पे हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई गेस्ट जरूर बुलाते हैं, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ गायनेकोलॉजी बल्कि यूरो गायनेकोलॉजी में उन्होंने बहुत अच्छी खिदमात पेश की हैं। उन्होंने जो क्लिनिक स्टार्ट किया पहली बार शालामार में, उसे एक इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है, और उनसे हम इसी फील्ड के बारे में आज बात भी करेंगे। बिल्कुल, एंड करंटली शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एट शालामार हॉस्पिटल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू प्रोफेसर कर्नल नाज़ली हमीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जस्ट टू बिगिन विद, यू नो, हम लोग हमें गायनेकोलॉजी एंड ऑब्वियसली यूरो गायनेकोलॉजी का एक पहले डिफरेंस बता दें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं आइडिया होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरो गायनेकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली यूरो गायनेकोलॉजिस्ट इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। ये गायनी जो है उसको चार सब स्पेशलिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। आपने देखा है आजकल जो इरा है सब स्पेशलाइजेशन का, हर चीज़ में आगे से, जैसे आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसमें भी आगे मैक्सिलोफेशियली सर्जन है, ऑर्थोडोंटिक्स है, फ़र्क चीज़ें, इस तरह गायनी में भी डिफरेंट एरियाज़ बन गए हैं। तो यूरो गायनेकोलॉजी जो है बेसिकली ये फीमेल गायनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। ये गायनी और यूरोलॉजी के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करता है। right. सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपके प्रोफाइल में भी मेंशन है दैट यू हैव स्टार्टेड फर्स्ट टाइम यूरो गायनेकोलॉजी क्लिनिक एट शालामार हॉस्पिटल, और उसको एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, आप इस अवार्ड के बारे में बताएं एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अराउंड दैट। ये अवार्ड जो है, टू बी एग्जैक्ट, ये हेल्थ केयर एशिया अवार्ड है 2023 का, जो सिंगापुर में इस साल दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी के ये अवार्ड शालामार हॉस्पिटल को मिला। यूरो गायनेकोलॉजी से मेरा वास्ता जो है पिछले कोई तकरीबन 23 ईयर्स से है। आई वॉज ट्रेंड इन दिस, और मैं इससे पहले क्योंकि आर्मी में रही हूँ, 28 ईयर्स सर्विस मैंने आर्मी में किया। तो आर्मी में हम ये खिदमात करते रहे, लेकिन क्योंकि हमारी वहाँ स्टेशन टू स्टेशन ट्रांसफर्स होते रहते हैं, आपको पता है आर्मी का वर्किंग स्ट्रक्चर ऐसा है। सो कंसोलिडेटेड एक स्टेशन पर रह के जैसे आप एक स्पेशलिटी को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, वो मौका मुझे वहाँ नहीं मिल पाया। शालामार हॉस्पिटल जब मैंने 6 साल पहले ज्वाइन, अभी मुझे 6ठा साल है तो 5 साल मुकम्मल हो गए, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो इस अस्पताल ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ पर मैं ये काम इस नज़रिए से कर सकूँ कि आगे ये ट्रेनिंग जो मैंने 23 इयर्स पहले ख़ुद जाकर सिंगापुर से ली थी, उसको मैं आगे लोगों में इम्पार्ट कर सकूँ और लोगों को कंसोलिडेटेड इसका बेनिफिट हो। सो ये हमने क्लिनिक इसका स्टार्ट किया, और उसमें हमें फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस के लेवल पर भी किए, उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस के लेवल पर भी, उसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी जाके जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कोर्सेज किए, जैसे डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेज वगैरह की। सही। फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई जिसके लेवल से हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। हमने फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने शालामार हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो में जाके, दुबई, पेरिस, फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, सो आई थिंक देयर बीन क्वाइट जाके हमने वर्कशॉप्स रन की। और फिर हमने यहाँ पे कोलैबोरेटिव नेशनल वर्कशॉप्स की जिसमें हमने बाहर से स्पीकर्स को यहाँ पे बुलाया, और इसमें हमने बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसमें हमने जैसे एक रेगुलर फ्री फिस्टुला रिपेयर कैंप शुरू किया। फिस्टुला एक बीमारी है जिसमें पेशाब और पखाना एबनॉर्मल तरीके से बहना शुरू हो जाता है, यानी माहवारी वाले रास्ते से पेशाब आना शुरू हो जाए या पखाना वहाँ से आना शुरू हो जाए, या कंट्रोल आपका पेशाब और पखाने पर ख़त्म हो जाए डिलीवरी की वजह से या डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से, उन पेशेंट्स के हमने फ्री सर्जरीज यहाँ पे शुरू की। सो शालामार हॉस्पिटल का एडवांटेज हमें ये है कि इसमें हमें दोनों कैटेगरी पेशेंट्स को ट्रीट करने का मौका मिलता है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको हम जनरल कैटेगरी में लाकर, और उसके वहाँ पे भी एक पेशेंट वेलफेयर सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम पेशेंट को एडिशनल डिस्काउंट दिला के काफ़ी सब्सिडाइज कॉस्ट पे उन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक एज है। और उसके अलावा जो पेशेंट्स पर्सनलाइज्ड केयर चाहते हैं, जो एफ्लुएंट फैमिलीज से आते हैं और जिनको ये होता है कि नहीं हमने प्राइवेटली यू नो हर फैसिलिटी लेनी है, तो उनको हम उस केयर जो स्पेशलाइज्ड केयर उस तरह से देनी है तो वो भी उनको। सो तो हम हर केडर को यहाँ पे हर स्ट्रेटा सोसाइटी का जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नाज़ली, अगर हम बात करें नॉट यू नो क्लास डिफरेंस असाइड, अगर हम ओवरऑल बात करें अबाउट यू नो अ वुमेन्स हेल्थ, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, बिकॉज स्पेशली यू नो व्हेन अ वुमेन इज़ गिविंग बर्थ वो एक प्रोसेस से गुजरती है, ओवरऑल आवर बॉडी इज़ वीक, कई हमारे अंदर ऐसी न्यूट्रिशन चीज़ें हैं जैसे कैल्शियम या आयरन की हम बात करते हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तान में ये एक वीकनेस आती है और ये डेफिशेंसी भी होती है, तो ओवरऑल प्लीज़ बताएँ कि हाउ important it is to take care of your health as a woman.
इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, यू नो, कि आपको अपनी हेल्थ हमारी ख्वातीन को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इट इज़ डेफिनेटली नॉट सेल्फिश टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप अगर जैसे आप एयरलाइंस में भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले अपना मास्क पहने फिर साथ वाले को मास्क पहनाएं। तो हम लोगों का एज अ सोशल फैब्रिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ केयर प्रोवाइडर हैं टू अदर पीपल। सो बट टू इवन टू बी अ गुड केयर प्रोवाइडर यू हैव टू बी, यू नो, अगर आपकी अपनी हेल्थ अच्छी है, अगर आप खुद हैप्पी हैं और सोशली और इमोशनली और हेल्थ वाइज आप हर तरह से अच्छे हैं, तो आप दूसरे को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारी औरतों का जो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर ख़वातीन डिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस के लिए भी और फाइनेंशियली भी अपने स्पाउस के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर। तो दैट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो जाती है। उन्हें लगता है कि जी जब एक ही ब्रेड विनर है और वो उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। सो लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड एज वेल कि द वुमन इज द सेंट्रल पिलर ऑफ द होम, एवरीथिंग न्यूक्लियस ऑफ द होम। सो अगर वो ठीक रहेगी और वो आपके बच्चों को भी ठीक से रखेगी और आपको भी ठीक से रखेगी तो प्रॉब्ली हस्बैंड भी, जैसे कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत अगर खुद ठीक होगी तो वो आदमी को कामयाब बनाने में मदद देगी। तो इसके लिए ऑब्वियसली हर औरत को अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजी एंड यूरोगायनेकोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है कि ख्वातीन को बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं। जैसे डॉक्टर नाज़नी, अगर हम बात करें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो वो बहुत अब बढ़ती जा रही है। इवन इन यंग गर्ल्स बहुत से इशूज़ आते हैं, रैंडमली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, और उसके बाद चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ और बाकी सारी चीज़ों के बाद तो इट इज़ वेरी प्रेवलेंट ऑलरेडी। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी, जो आजकल यंग गर्ल्स को ये बहुत मसला हो रहा है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए एंड हु टू कंसल्ट? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सबसे पहले तो ये कि आपको हमारी बच्चियों में कई प्रॉब्लम्स बहुत सारे इसलिए हो रहे हैं कि हमारी बच्चियों में जैसे टी, कॉफ़ी, फिजी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, यू नो, इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना अब है, अगर अपने चाइल्डहुड को रिकॉल करती हूँ तो तब नहीं था, ऐसा नहीं था। यानी हमारी माओ ने हमें दूध पीने पे बहुत एम्फसाइज किया, हमें ईद पे फिजी ड्रिंक मिलती थी, ईद पे अम्मी की तरफ से, इट वाज लाइक अ ट्रीट वंस इन अ व्हाइल। माय फादर यूज्ड टू गिव मॉनेटरी कैश एज ईदी एंड माय मदर यूज्ड टू गिव अस अ कोल्ड ड्रिंक एज ईदी। तो हम साल में दो दफा फिजी ड्रिंक पीते थे। अभी आपके बच्चे दिन में तीन दफा या चार दफा फिजी ड्रिंक पी रहे होते हैं और इट हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक यू नो एज स्टेपल एज वाटर। तो आई थिंक दैट इज वन रीजन, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना, इनटेक हेल्दी फूड्स का ना होना। फिर हम लोग बाहर जाके खेला करते थे तो उससे विटामिन डी का लेवल बहुत जी अब विटामिन डी लेवल बच्चियों का बहुत फॉल कर गया। सो विटामिन डी की कमी भी इनकॉन्टिनेंस के साथ बहुत रिलेट करती है। हमारी बच्चियाँ अब सिर्फ इनडोर और इनडोर भी क्या, अब तो रातों को जाग रही होती हैं, दिन को सो रही होती हैं बेसिकली। अब आप देखें कि ये वो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि रात को जागना हैज़ बिकम सच अ नॉर्म कि अगर आप उन्हें कहते हैं कि नहीं रात को आप जल्दी सोएं तो वो आपको ऐसे हैरान होकर देखते हैं जैसे आप एलियन बात कर रही हैं। हां, एंड आई रिमेंबर कि व्हेन वी वर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तो 10 बजे मोबाइल छीन लिए जा रहे हैं, सो रहे हैं। एक 9 PM वाज द कर्फ्यू कि यू नीड टू बी इन बेड, चाहे हम लोग आधा घंटा घंटा बातें आपस में कजिन से कोई कर रहे होते। फिर इसी तरह एक्सरसाइज नहीं, बच्चियों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं, हां अनलेस के वो अपने पीयर्स को देख के कुछ उन्हें अच्छे उनको अगर मिल जाते हैं तो अपने पीयर्स देख के मोटिवेट होती हैं, अदरवाइज ये कि एक्सरसाइजेस नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। हर लड़की को कम से कम हफ्ते में 5 दिन जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स अ डे, और उसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को और आपको चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स गुड टू बी प्रिपेयर। वो बात है पहले से ही आपके ना एक जो लाइफस्टाइल की रूटीन होती है, ऑब्वियसली जब रूटीन एकदम से नहीं बनती है, और बचपन से वही स्पोर्ट्स की बात है, हम हमेशा इतना एम्फसाइज करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ यू नो स्पोर्ट्स पे भी एम्फसिस होना चाहिए।